हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा शेयर के बारे में। दोस्तों, आज पहले कंपनी का रिजल्ट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि हमें कोटक महिंद्रा का शेयर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और दोस्तों इस बड़े बड़े ब्रोकरेज की क्या राय है। दोस्तों, सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है। शुद्ध ब्याज दर सालाना आधार पर लगभग 12% तक बढ़ी है। सालाना आय अब इनकी 4,334 करोड़ रुपये तक हो गई है। लाभ 15% तक बढ़ गया है। अब दोस्तों लाभ 2,131 करोड़ रुपये तक हो गया। आय में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। दोस्तों, इससे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने शेयर को बाय करने की सलाह दी है और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 2,500+ कर दिया। उनका कहना है कि ब्याज कंपनी की जो है आय ब्याज आय जो सालाना आधार पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कंपनी के जो ग्रोथ प्लान है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आने वाले समय में कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। इससे इसके शेयर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, तो इस कारण से हमें शेयर को बाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।